आप देख रहे हैं मैथ्स के कुछ फिफ्थ ट्रिक्स आप लोगों के सामने, मेरा एक और प्रिय स्टूडेंट जिसका नाम रवि कुमार विश्वकर्मा आप लोगों के सामने लेकर आ रहा है, जो कि बहुत ही टैलेंटेड है और वो चाहता है कि उसके पास जो भी टैलेंट है वो आप तक पहुंचे। लॉकडाउन चल रहा है, इसमें जितना आप सीखेंगे उससे ज्यादा उसको भी सीखने का मौका मिलेगा। ओके, तो वीडियो को देखिए और अगर पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, जैसा कि हमारा परिचय हमारे सर पहले दे चुके हैं, आइए सीधे हम सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, अगर 100 से संख्या कम तो उसका गुणा मात्र 10 से 20 सेकंड कैसे करना है? छोटे छोटे सवाल तो हम पहाड़ा याद करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये सवाल होते हैं, बड़े बड़े सवाल होते हैं, वो लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है और जो एग्जाम के टाइम में समय कम मिलता है तो हमारे क्वेश्चन छूट पहुंच जाते हैं। इसलिए आइए सवाल देखते हैं। अब इस 93 और 94 दोनों से गुणा करना, दोनों से 93 और 94 दोनों से, क्या असल में 100 से कम आलू को हम पहले बताएं, उसके बाद अगली वीडियो में अगली क्लास में 93 और 94 पे गुणा करना। अगर हम साधारण टाइप से करेंगे तो कम से कम 1 मिनट का टाइम लग गया, लेकिन मात्र 20 से 30 सेकंड में कैसे आंसर लाएंगे? असल में 100 है, ये 93 है, कितना माइनस है? -7। 94 है, ये 100 है, इसमें कितना मान कम है? -6। अब पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटा दें या दूसरी संख्या को पहली संख्या से घटा दें? तो आइए पहली को, अब इसमें 93 में या 6 को घटा देंगे या 94 में से आप 7 को घटा, यानी एक ही संख्या को घटाना रहता है, तो इसमें आएगा 8 और फिर ये 87 आ गया। फिर दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसको और इसको गुणा कर देना, यानी जितनी संख्या 93 में 7 कम थी उसको और 94 में 6 कम थी इसको दोनों को आपस में गुणा कर देना, तो 6×7=42। चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। दूसरा अगला सवाल देखते हैं, ये 94 है, 100 में कितना कम है? 6 कम। ये 95 है, 100 में कितना कम है? -5 कम। फिर वही अगला स्टेप, यही वाला स्टेप यहां भी फॉलो करेंगे, 94 में 5 को घटाएंगे, अब ये 89 आ गया। अगर 94 में 5 को घटाएंगे तो भी उतना आएगा और 95 में 6 को घटाएंगे तब भी उतना आएगा, यानी सेम पोजीशन आएगा। अब फिर अगला स्टेप में क्या करना है, इसको इसको गुणा कर देना, 6×5=30। जल्दी जल्दी आंसर चेक कर लीजिए, मात्र 20 सेकंड के अंदर आंसर आ रहे हैं। फिर अगला सवाल देखेंगे, 97 इसमें कितना कम है? -3 कम है, 98 -2। फिर वही अगला स्टेप फॉलो करना है, 97 में 2 को घटाएंगे तो उतना आएगा, 98 को 3 घटाएंगे तो उतना आएगा। 97 में चलो 2 को घटाते हैं, 95 आए। फिर अगला स्टेप गुणा कर देना, 3×2=6। अब यहां आप सोच रहेंगे 0 क्यों लगाया गया, क्योंकि आप गुणा कर रहे हैं और 2 अंक का गुणा कर रहे हैं, इसलिए अगर यहां पर संख्या 2, 3, 6, 0 आगे लगेगा, अगर एक इकाई में अगर आंसर आ रहा है दोनों संख्या का तो उसमें आगे 0 को हम लगाएंगे। अगले सवाल देखते हैं, 92 है, 8 कम है, और ये 99 है, 100 में 1 कम है। अब चाहे इसमें से इसमें घटाएं तो उतना आएगा या इसमें से इसमें घटाएं तो उतना आएगा, घटाना हमको एक ही में है, तो इसमें घटाएंगे 91 आएगा, और अगर इसमें 99 में 8 घटाएंगे तब भी 91 आएगा, तो 8×1, फिर इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 8×1=1 आ रहा है। अब यहां पे दूसरा स्टेप फॉलो किया, 8×1=8, आप गुणा कर रहे हैं इकाई और दहाई दो अंक का, इकाई और दहाई दो अंक का, तो जब आप गुणा करेंगे 8×1=8 तो आपको दहाई में 2 अंक में लिखना पड़ेगा,
अगर संख्या एक से नौ तक आ रही है तो आगे हमें जीरो लगाना पड़ेगा। कुछ सवाल बताए, आपको वीडियो समझ में आई होगी, इस पर आओ प्रैक्टिस कीजिए, इसी पर थोड़ा हम कल वीडियो फिर डालेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।